hi students welcome in the online classes of dav school as you know in the class 7th g science we are on chapter 1st in the previous lecture we complete our question answers up to part d now today we start the part e question answer of the lesson 1st our first question is first of all इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम अगर आपको ठीक से साफ दिखाई ना दे रहा है रही है ये पेज अगर दिखाई नहीं दे रहे हैं क्वेश्चन आंसर दिखाई नहीं दे रहे तो आप फोन को रोटेट कर लें फोन को ऐसे लंबाई की बजाय चौड़ाई में पकड़ें जिससे आपको साफ स्पष्ट सारा चीजें दिखेंगी नाउ क्वेश्चन फर्स्ट से वुड लाइफ नोट बी पॉसिबल ऑन द अर्थ इन द अबसेंस ऑफ फोटोसिथेसिस देखिए फोटोसेंथेसिस जो प्रोसेस है हमने सिक्स क्लास में भी पढ़ा था अब सेवंथ में भी फर्स्ट लेसन में ही पढ़ रहे हैं फोटोसेंथेसिस की प्रोसेस के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है ऐसा क्यों है आवर आंसर इज वी नो दैट ऑल लिविंग बींग्स डिपेंड फॉर फूड ऑन ग्रीन प्लांट्स एंड शो ऑन फोटोसिथेसिस हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो अपने भोजन के लिए ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं इसीलिए फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड करते हैं इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ ग्रीन प्लांट्स ऑन अर्थ नो ऑर्गेनिज्म वुड बी एबल टू गेट फूड अगर ग्रीन प्लांट्स अब्सेंस की अब्सेंस हो जाएगी ग्रीन प्लांट्स होंगे ही नहीं तो आ, किसी भी ऑर्गेनिज्म को भोजन ही नहीं मिलेगा हैंस लाइफ वुड बी इम्पोसिबल ऑन द अर्थ इन अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इसलिए लाइफ जो है इम्पोसिबल है अर्थ पे अब सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस में नेक्स्ट गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग मशरूम इज ए सेप्रोट्रोप मशरूम इज ए सेप्रोट्रोप इसके लिए हमें रीजन देना है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट मशरूम फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स बाय एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मशरूम क्या है फीड्स करते हैं डेड और डिकेइंग रिमेन्स पे किसके द्वारा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के द्वारा हैंस मशरूम इज द सेप्रोट्रोप इसलिए मशरूम क्या है सेप्रोट्रोप है सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके लिए रीजन देना है कि सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सभी ऑर्गेनिज्म के लिए We know that green plant trap solar energy टू प्रिपेयर फूड फॉर ऑल अदर लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड हम जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो एनर्जी को ट्रैप करते हैं सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस द्वारा अपना भोजन बनाते हैं किन के लिए भोजन बनाते हैं उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो कि ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए दस, ऑल अदर लिविंग बींग्स टेक एनर्जी फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स इन विच एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन इसलिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट्स से एनर्जी लेते हैं और प्लांट्स कहाँ से सन से एनर्जी लेते हैं ड्यू टू दिस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इसीलिए सन क्या है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है लीफ ऑफ ए प्लांट डाइज आउट इफ इट्स स्टोमटा आर ब्लो पत्ता जो है किसी प्लांट का वो डाइज आउट यानी कि मर जाता है सूख जाता है अगर उसके स्ट्रोमेटा ब्लॉक हो जाए तो स्ट्रोमेटा आर द टीनी पोर्स थ्रो विच कार्बन डाइऑक्साइड कम इन द लीव्स एंड वाटर वेपर्स गोज आउट स्ट्रोमेटा छोटे छोटे रोम छिद्र के टाइप में छिद्र होते हैं टीनी पोर्स होते हैं पत्ते की सतह के ऊपर जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और वाटर वेपर बाहर निकलते हैं इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सपलसन ऑफ वाटर वेपर नसेसरी फॉर द फोटोसिथेसिस इन द लीव कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और वोटर वेपर को बाहर निकालना जरूरी है फोटो सिंथेसिस की प्रोसेस के लिए मोर आवर स्टोमाटा ऑल्सो फैसिलिटेट ब्रीथिंग लीव्स इसके अलावा जो स्टोमाटा है वो लीव्स यानी पत्तों को फैसिलिटेट भी करता है ब्रीथिंग के लिए सांस लेने के लिए सो दिस इज क्लियर दैट द लीफ ऑफ प्लांट विल डाई स्ट्रोमेटा आर ब्लॉक्ड इसलिए पत्ता जो है वो मर जाता है सूख जाता है अगर स्ट्रोमेटा जो है वो ब्लॉक्ड है बंद हो गए हैं नेक्स्ट वन लीफ इज नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट लीफ को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट क्यों कहा जाता है प्लांट्स यूजली प्रपेयर फूड इन देअर लीव्स प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं मोस्टली आमतौर पर पत्तों में अपना भोजन बनाते हैं हैंस लीफ इज नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट इसीलिए लीफ को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहा जाता है लाइचन इज दी लीविंग पार्टनरशिप बिटवीन फंगस एंड द एल्गा एंड दस पार्टनरशिप इज बेनिफिशियल टू बोथ जो लाइचन है वो क्या है लिविंग पार्टनरशिप है किसके फंगस और एल्गा के बीच में इस पार्टनरशिप से दोनों को बेनिफिट होता है इस पर डिस्कस करेंगे लाइचन इज द कम्बिनेशन ऑफ फंगस एंड एन एल्गा लाइचन जो है वो कम्बिनेशन है फंगस और एल्गा का द फंगल पार्ट एब्जोर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सबस्ट्रम वाइल द एल्गा पार्ट कैरीज आउट फोटोसिंथीसिस टू प्रिपेयर फूड जो फंगल पार्ट है वो वाटर और मिनरल्स जो है वो लेता है और जबकि फोटोसिथ एलगा जो है वो फोटो के द्वारा भोजन बनाता है दस बोथ पार्टनर बेनिफिट ईच अदर इन देयर एसोसिएशन इसीलिए दोनों पार्टनर जो हैं एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं इस एसोसिएशन के अंदर वाई डू फीड ऑन इंसेक्ट हाउ डज पिक्चर प्लांट कैच इज इंसेक्ट क्यों कुछ पौधे जो हैं वो इंसेक्ट को खाते हैं पिक्चर प्लांट जो है कैसे कैच करता है इंसेक्ट्स को सम प्लांट विच ग्रो इन इन मर्शिशैप डू नोट गेट नाइट्रोजन बिकॉज द सोयल ऑफ नाइट्रोजन डेफिशेंट इन सच एरियाज बहुत सारे पौधे जो हैं कुछ पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन की मात्रा उनके पास पूरी नहीं होती इसी कारण से उनके अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है कुछ एरियाज़ में सच प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट एंड शक द जूसीज टू फुलफिल देयर नीड ऑफ फॉर नाइट्रोजन कुछ प्लांट इसलिए क्या करते हैं इंसेक्ट uh, को ट्रैप करते हैं उनको उनका जो, जो उनके जूसीज जो हैं उनको सक कर लेते हैं और नाइट्रोजन की मात्रा जो है अपने अंदर ग्रहण करते हैं पिक्चर प्लांट का भी बताया था आपको कि पिक्चर प्लांट क्या करते हैं हमारे वो पौधे इंसेक्ट को हमारा खींच लेते हैं वो हमारी बुक में हमने फुली रीड किया था हाउ डू राइ राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लिग्युमानियस प्लांट हेल्प ईच अदर टू देयर सर्वाइवल राइजोबियम बैक्टीरिया और लैगुमाइनियस प्लांट जो हैं एक दूसरे की किस तरह सर्वाइवल में हेल्प करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया गेट राइजोबियम बैक्टीरिया गेट ए होम इन रूट ऑफ लाइमाइनियस प्लांट जो राइजियम बैक्टीरिया है वो होम आ, आ, होम की जो जगह है वो आ, देता है लाइगोमियस प्लांट में रूट्स ऑफ लाइमिनियस प्लांट में अपना बहुत घर बनाता है इन ल्यू ऑफ दैट राइजोवियम हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द सोइल इसके बदले में जो राइजोबियम है वो हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन की सॉयल के अंदर नाइट्रोजियम नाइट्रोजन फिक्सेशन बेनिफिट द प्लांट इससे क्या है पौधे को बेनिफिट होता है दस राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लैगोमेनियस प्लांट हेल्प ईच अदर इन देयर सर्वाइवल इस तरह दोनों एक दूसरे को सर्वाइवल में हेल्प करते हैं लास्ट क्वेश्चन इज वेबचार्ट जो है वो कंप्लीट करना है ये पूरा आपका एक वेबचार्ट है ये आप देख लें प्लांट सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रोम एयर वॉटर मिनरल्स ये पूरा का पूरा चार्ट जो है वो ये आपने बनाना है अपनी कॉपी में ओके okay. आज हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया है इसके पास क्वेश्चन आंसर जो है आप पार्ट डी और पार्ट ई e के, के केवल कॉपी में नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखेंगे ओके थैंक यू सो मच